नमस्कार साथियों, आज का विषय ये है कि क्या साइमल्टेनियस मेंबरशिप हो सकती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, अर्थात क्या कोई राज्यसभा का सदस्य रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, या क्या लोकसभा का सदस्य रहते हुए क्या कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, या कोई सांसद रहते हुए क्या विधायकी का चुनाव लड़ सकता है, या कोई विधायक रहते हुए क्या सांसद का चुनाव लड़ सकता, अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। और पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या कोई एक राज्य का विधायक रहते हुए दूसरे राज्य का भी विधायक का चुनाव लड़ सकता है। ये पांच प्रश्न से आज हम लोग जूझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस संबंध में क्लैरिटी हो, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को इस संबंध में उहापोह की स्थिति है कि भाई इसमें वस्तु स्थिति और संवैधानिक स्थिति क्या है। देखिए, बिल्कुल स्थिति को अपने दिमाग में शीशे की तरह से साफ रखिए कि किसी भी सांसद को, अर्थात चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो और चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, पद पर रहते हुए संसद के दूसरे सदन का चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का सदस्य रहते हुए वो राज्यसभा का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर वो लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य रहते रहते वो राज्य की विधानसभा का सदस्य लड़ना चाहता है, का बनना चाहता है, अर्थात एमपी रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसा वो कर सकता है। उसको अपने पद से त्यागपत्र देने की पहले कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी चीज़ कि अगर कोई एमएलए है और वो एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, वह भी अपने पद पर रहते हुए ऐसा कर सकता है। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या कोई एक राज्य का एमएलए, अर्थात उत्तर प्रदेश का एमएलए, अगर वो चाहे कि बिहार में एमएलए का चुनाव लड़ लें तो क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अर्थात एक राज्य का विधायक रहते हुए आप दूसरे राज्य के विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आइए देखें कि इन पाँच प्रश्नों के संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान है। सबसे पहले साइमल्टेनियस मेंबरशिप ऑफ लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस करते हैं कि क्या लोकसभा का सदस्य रहते हुए कोई राज्यसभा का, या राज्यसभा का सदस्य रहते हुए कोई लोकसभा का सदस्य बन सकता है या नहीं। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101, अर्थात 101 क्लॉज 1, उसका बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं रह सकता, और अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट इस संबंध में कोई कानून बनाएगी। जब संविधान बना था तो ये मूल प्रावधान किया गया था। जाहिर है कि संविधान हमारा 1950 में बना, और इस प्रावधान को लागू करने के लिए हमारी संसद, चूँकि संसद की जिम्मेदारी थी कि भाई लोकसभा और राज्यसभा का साइमल्टेनियस मेंबरशिप का मसला है, इस संबंध में आपको कोई निर्णय लेना है तो संसद कानून बनाए, तो संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बनाया, जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट कहते हैं, 1951 में बनाया। और इसकी सेक्शन 68, इस संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून की सेक्शन 68 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिन के अंदर ये बताना पड़ेगा कि वो लोकसभा का सदस्य रहना चाहता है कि वो राज्यसभा का सदस्य रहना चाहता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर वो नहीं बताता है, अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है और नहीं बताता है कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है, तो राज्यसभा का स्थान उसका ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा, अर्थात उसको लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो और भी इंटरेस्टिंग है वो है सेक्शन 69 ऑफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का 69 क्लॉज सेक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये कहता है कि अगर एक सदन का सदस्य रहते हुए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑलरेडी राज्यसभा का सदस्य है
और वो लोकसभा का सदस्य भी चुना जाता है। तो एक तो वो ऑलरेडी सदस्य है और लोकसभा का सदस्य चुना जाता है, तो लोकसभा का सदस्य चुने जाते ही उसकी जो है राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिस जो कि हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी सदस्य दोनों सदनों के लिए तो चुनाव लड़ सकता है लेकिन वो रिटेन केवल एक ही कर सकता है, नहीं बताता है तो 10 दिन में राज्यसभा की सदस्यता उसकी चली जाएगी। और लोकसभा का सदस्य रहते हुए अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ता है, जीत जाता है और अपना शपथ ग्रहण कर लेता है तो उसकी प्रथम सदन की सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाएगी। लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा की चली जाएगी और राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी, अर्थात पहले सदन की सदस्यता चली जाएगी। अब आइए देखें कि एमपी और एमएलए के संबंध में क्या प्रावधान है। क्या एमपी रह के कोई एमएलए का चुनाव लड़ सकता है या एमएलए रह के कोई एमपी का चुनाव लड़ सकता है, इस संबंध में संविधान की आर्टिकल 101 सेक्शन 2 अर्थात संविधान का अनुच्छेद 101 धारा 2 क्लॉज 2 उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी संसद के किसी भी सदन का और किसी विधानसभा का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वहाँ पे ये है कि अगर इस संबंध में कोई नियम बनाने हैं तो वो राष्ट्रपति बनाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, यहाँ पे राष्ट्रपति बनाएगा। अर्थात जब मसला ये होगा कि एमएलए एमपी बन का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं और एक साथ और एमपी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं और कहीं उसकी दोनों की सदस्यता हो जाएगी तो इस संबंध में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को कानून नियम बनाना पड़ेगा। और राष्ट्रपति ने इस संबंध में 1950 में ही एक कानून बना दिया था जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल, अर्थात दोनों दो सदनों की एक साथ सदस्यता को के संबंध में के संदर्भ में जो प्रावधान है वो ये है कि उसको दोनों सदनों की सदस्यता एक साथ नहीं मिल सकती है। इस संबंध में राष्ट्रपति ने नियम बनाया और नियम ये बनाया कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और वो स्टेट असेंबली का भी सदस्य चुना जाता है या अगर वो दोनों का सदस्य एक साथ चुना जाता है, लोकसभा और विधानसभा दोनों का एक साथ सदस्य चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में गजट होने के बाद उसको 14 दिन के अंदर अपना एक निर्णय लेना पड़ेगा कि वो लोकसभा का सदस्य रहना चाहता है या राज्यसभा का सदस्य रहना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लोकसभा की सदस्यता उसकी जाती रहेगी, अर्थात लोकसभा की सदस्यता 14 दिन के अंदर उसको निर्णय लेके बताना है कि वो लोकसभा का सदस्य है कि विधानसभा का सदस्य है, अन्यथा उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राज्यों में जब हम चलते हैं तो अब जरा देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा वाले प्रावधान को राज्यों में कैसे आरोपित किया गया है कि कुछ हमारे राज्यों में विधान मंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और ऐसे कुछ ही 6 प्रांत हैं लगभग जहाँ पे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, सभी राज्यों में नहीं है। तो संविधान का अनुच्छेद 190 सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने राज्य के विधानसभा और विधान परिषद का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता, और अगर वो एक साथ सदस्य नहीं रह सकता तो फिर इस संबंध में उस राज्य की जो विधानसभा है या उस राज्य की जो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाए। तो विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में तो ये स्थिति बनी। तो इसमें क्या हुआ कि अब थोड़ा सा हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि एक राज्य में तो विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में सदस्यता के संदर्भ में उस राज्य की विधानसभा को या विधानमंडल को कानून बनाना था, लेकिन अगर कोई एक राज्य का एमएलए है और वो किसी अन्य राज्य से एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है तो इसके संबंध में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति कानून बना के इसका निर्णय लेगा। तो अब हुआ क्या कि राष्ट्रपति ने 1950 में कानून बनाया
और 1950 में ये कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कितने भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है, अर्थात वो यूपी के भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है, बिहार के भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है, एमपी के भी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, कहीं के भी कितने भी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है कोई व्यक्ति एमएलए का। लेकिन 10 दिन के अंदर जब चुनाव होंगे तो उसे 10 दिन के अंदर, रिजल्ट घोषित होने के 10 दिन के अंदर उसको ये निर्णय बनाना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि वो एक ही किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य रह जाएगा। ये तो हुई 1950 की बात, लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच थे, क्योंकि राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हों या ना हो तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में संसद ने जो कानून बनाया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, उसने इस समस्या का जड़ से ही समाधान कर दिया। और संसद ने जो कानून बनाया उसमें एक बड़ी ख़ास बात उसने ये रख दी, सेक्शन 5C, उसका क्लॉज सेक्शन 5C जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना जरूरी है। अर्थात अगर आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। अगर आप बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बिहार में एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिहार में आप पंजीकृत हों मतदाता के रूप में। अब जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति दो राज्यों में मतदाता के लिए तो पंजीकृत हो नहीं सकता। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ने इस समस्या का समाधान कर दिया कि जब आप दो राज्यों में मतदाता के रूप में पंजीकृत ही नहीं होंगे तो आपके दो राज्यों से चुनाव लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा इस समस्या का समाधान कर दिया गया और अब वस्तु स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति दो राज्यों से चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा कि एमपी के लिए ये प्रावधान नहीं है, एमपी के लिए पूरे देश में कहीं भी आप पंजीकृत होना चाहिए और वहाँ जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं और जाके वो तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे हैं, या गुजरात में पंजीकृत हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, या नाना प्रकार के राज्यों में जाके कहीं भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोकसभा के लिए छूट है, लेकिन विधानसभा के लिए छूट नहीं है। अगर आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उस विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा में कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में आपको पंजीकृत होना चाहिए। तो आशा है कि इस प्रस्तुतिकरण से आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, और इस संबंध में अगर आपके कोई और सुझाव हो तो हमें ज़रूर सूचित करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।